श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अंदर है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको क्या बोला जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज। तो उसके तहत ये निकला है, एग्जाम नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट निकला है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ये पोस्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि जो CGLE के जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर है, उनके बराबर के ही सैलरी की पोस्ट है, यानी पे लेवल 7 है जो आता है 4600 ग्रेड पे, यानी बी ग्रेड जॉब है। CGLE की जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है, SSC की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर है, उन सब के बराबर की भी ये जॉब है 4600 ग्रेड पे की। अब बात कर लें सबसे पहले कि ये है क्या, क्या जॉब है, क्या काम करना होगा। जो PF अकाउंट होल्डर जो होते हैं, उनके जो लेखा देखा का काम है, ऑफिशियल काम है, कुछ लंबा चौड़ा सीन इसमें नहीं है। यहाँ पे इसने बताया है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है EPFO, ये एग्जाम करवाएगा। प्री होगा इसका 30 जुलाई और 31 जुलाई दो दिन में। कब होगा? 30 जुलाई और 31 जुलाई को इसका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम इसका क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके अंदर आपको सिर्फ पास करना है। प्री एग्जाम जो बैंक का एग्जाम होता है वैसा का वैसा प्री एग्जाम होगा, सिर्फ आपको पास करना है, जो भी कट ऑफ रहेगी उसका नंबर सिलेक्शन में जुड़ेगा नहीं। प्री पास करने के बाद में आपका एक होगा मेंस एग्जाम, जो प्री के रिजल्ट आने के बाद उसकी डेट आएगी आपके पास में। तो मेंस एग्जाम के अंदर एक 200 नंबर का पेपर होगा, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। यानी सिर्फ दो पेपर हैं, मेरिट एक पेपर के आधार पे बनेगी। पहला क्वालिफाइंग नेचर का है जिसका नंबर नहीं जुड़ेगा, ना इंटरव्यू है, ना ग्रुप डिस्कशन है, ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। डिस्क्रिप्टिव है वो मेंस के साथ में ही छोटा सा है, अगर 50 नंबर का ऐड किया हुआ, 50 या 30 नंबर का है वो। अब बात करते हैं इसके फॉर्म्स की। तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख को, शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और 25 जून इसकी क्या है, लास्ट डेट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये मान के चलो आपको कि आपको जॉब लगते ही 44,900 रुपये बेसिक पे मिलेगा, प्लस 4,000 के आसपास आपको DA मिलेगा, 4,000 या 5,000 के आसपास, क्योंकि जो जितना परसेंट होगा। उसके अलावा आपको जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं तो कम से कम आपको 11,000 के आसपास में रहने का HRA मिलेगा, लगते ही है। अदर 3,000-5,000 तक का अलग आपका पेट्रोल का ये वो अलाउंस मिलेगा। टोटल आप अगर सैलरी जोड़ते हो तो नहीं करते, इस जॉब में जाते ही ज्वाइन करते ही पहले महीने ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे 65,000 रुपये। तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस जॉब के लिए है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 27 साल। अब मैं OBC वाले जो लोग हैं वो 3 साल लेके 30 तक दे देंगे, और जो SC ST वाले 5 लेके 32 तक दे देंगे। कोई ज़रूरत नहीं आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, सिर्फ आपको क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BKM हो, चाहे BTEC हो, जो भी हो, बस डिग्री होना चाहिए आपके पास में। अब बात करते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी है 280 वैकेंसी है टोटल। वो कैसे बांटी है वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये तो सारा फंड आपको समझ आ गया। 30 तारीख से फॉर्म शुरू है, 25 लास्ट डेट है, 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कॉल लेटर आ जाएंगे, 30 और 31 को प्री का पेपर है, और मेंस पेपर होगा प्री के बाद में। ये है वैकेंसी। जनरल का 113 है, जो नया रिजर्वेशन मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला वो 28 है, SC 42 है, ST 21 है, OBC NCL यानी जो नॉन क्रिमिलेयर वाले हैं उनके लिए 76 है। और ये जो कुछ लोग जो ABCD चार कैटेगरी बांटी है, तो ABCD का मतलब है जो विजुअल हैंडीकेप्ट हैं, जो आँखों की प्रॉब्लम उनके 3 है, जिनको सुनाई नहीं देता उनकी भी 3 है, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी टाइप का जो भी कुछ जैसे ये
लेपर्सी है, कुछ और भी चीज़ें, एसिड अटैक हो विक्टिम है, कुछ और है, उनकी भी तीन है, और डी और ई में आ जाते हैं जिसका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, उनके लिए भी दो वैकेंसी है। ये तो सारी चीज़ें हमने बात कर ली, पे की हमने बात कर ली है, 44,900 से शुरू होगा, उसके साथ साथ में आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और भी अलाउंसेस जो भी डिपार्टमेंट में है आपको सब मिलेगा। इसके साथ साथ फॉर्म में क्या करना है वो आप सबको पता है, कुछ नया नहीं है, फ़ोटो लगानी है अपनी, फ़ोटो अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड नहीं करने हैं। एक चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखना है, वो है कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 25 जून तक आ गया हो वही लोग फॉर्म भरें, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, अपियरिंग फाइनल ईयर में हैं, वो लोग इसका फॉर्म ना भरें। यानी जो इन लोगों की ग्रेजुएशन है वो 25 तारीख जून तक ख़त्म हो गई हो, 25 तारीख को उनका फाइनल रिजल्ट आ गया हो, वही लोग इसमें अप्लाई करें। फीस की बात करते हैं तो एससी एसटी वालों के लिए है 250 रुपये है, और अदर्स के लिए कितना है 500 रुपये, वो सब तो आपको पता ही है कि कितना होना है और कितना नहीं होना है। एज की लिमिट की बात करते हैं तो एससी ओबीसी वाले 1992 के से बड़े नहीं होने चाहिए, जनरल वाले, ओबीसी वाले 89 से बड़े नहीं होने चाहिए, और एससी एसटी वाले 87 से पहले के जन्मे हुए नहीं होने चाहिए। आपका थोड़ा सा डेट का यहाँ पे एज अपनी अपनी चेक कर लेना, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 25 जून, तब तक आपका फाइनल का रिजल्ट आ गया होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स सर्विसमैन वाला है थोड़ा सा, तो आप सबको पता है कि एक्स सर्विसमैन का 40-43 साल तक का होता है, डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन 25 तक है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट, यानी तब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए तभी आप अप्लाई करें, वरना ना करें। एससी एसटी वालों के लिए 250 है और बाकियों के लिए 500 रुपये इसकी फीस है। रिजर्वेशन जैसे जो आपको बताया गया है वो आपको सबको पता है, रिजर्वेशन किस प्रकार से मिलेगा वो रिजल्ट पे, और सबका कट ऑफ अलग अलग रहेगा उसके हिसाब से। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं प्री एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगा 30 नंबर का 20 मिनट में, रीजनिंग आएगा 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 35 नंबर का रहेगा 20 मिनट मिलेगा, और मैथ्स भी 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर मिलेगा 20 मिनट मिलेगा। तो ये आपको प्री का है, प्री अगर आपने पास कर दिया तो आपको फिर कहाँ बुलाया जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्री क्या है, क्वालिफाइड नेचर का है, और प्री में ये चीज़ भी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, और मेंस के लिए 1:10, यानी अगर 280 वैकेंसी है तो मान लो कि चलो 3,000 लोगों को मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। मेंस में आप स्कोर करोगे उसी के हिसाब से आपकी बनेगा मेरिट। अब मेंस में क्या आएगा, मेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 60 नंबर के होंगे, 35 मिनट मिलेगा, 40 आएंगे जनरल के, जनरल जीके के, इकोनॉमी के, फाइनेंस अवेयरनेस के, 20 मिनट मिलेगा 40 नंबर के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर 30 मिनट, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 60 नंबर 35 मिनट, यानी 2 घंटे 150 क्वेश्चन और 200 नंबर। फिर आएगा 30 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, एक प्रिसीज राइटिंग है, एक कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, इसमें आपको 45 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है, 153 क्वेश्चन रहेगा, 230 नंबर रहेगा कट ऑफ। अब आपको यहाँ पे 3,000 लोगों में, यानी जो भी 280 लोग हैं वहाँ जगह बनानी है, फाइनल मेरिट आएगी 280 लोगों की। अब देख लो, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, फेज़ टू है वो सिर्फ फाइनल सिलेक्शन के लिए है, मीन्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर देर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/4, समझ में आ गया सबको। डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन, एंड थोड़ा बहुत आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप द आंसर यूजिंग कीबोर्ड। डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन सब्जेक्टिव पेपर ऑफ फेज टू, एंड जैसे ही मेंस 2 घंटे का खत्म होगा डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाएगा 45 मिनट का। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो अब देख लो कि एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ कहाँ हैं, अपने राजस्थान वाले ही देख लेते हैं अपन झट से, कि राजस्थान में अगर आप फॉर्म भरते हो तो सिर्फ जयपुर ही एक सेंटर है। राजस्थान में कहाँ है सेंटर, सिर्फ जयपुर है, और मेंस का भी वही सेंटर रहेगा जहाँ पे आप लोग प्री देख के आओगे, वो कोई इश्यू नहीं है। तो बाकी इसमें कुछ है नहीं, एक परफॉर्मा है लास्ट।